तो हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं वाओ स्किन साइंस के इस ग्रीन टी फेस मास्क का। इस मास्क की खासियत है कि इससे आपको एंटी एजिंग इफेक्ट मिलने वाला है। तो अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं या फिर कुछ डैमेज हुआ है तो इस मास्क को यूज करने से वो सारा कुछ मिटने वाला है। मतलब आपके फेस की जो गंदगी है ना, ये मास्क उसको रिमूव करने वाला है, ऐसा ये प्रोडक्ट दावा करता है। और दोस्तों मैं इस ग्रीन टी मास्क को पिछले कुछ हफ्तों से यूज करके देख रहा हूं, तो कैसा मुझे इससे इफेक्ट मिला है, क्या क्या बेनिफिट्स मुझे मिले हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो इस रिव्यू को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। और दोस्तों अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को। और दोस्तों इसकी पैकेजिंग के ऊपर आपको साफ एंटी एजिंग लिखा मिल जाएगा, तो पता चलता है कि ये जो ग्रीन टी मास्क है स्पेशली एंटी एजिंग के लिए डिजाइन किया गया है। और इसका पूरा नाम होता है फौजी माचा ग्रीन टी क्ले फेस मास्क। तो ये जो मास्क है ना, हमें क्ले की फॉर्म में मिलने वाला है। तो जैसे ही मैं इस फेस मास्क को अपनी फिंगर पे फील करता हूं तो बिल्कुल ना ये क्ले के जैसा फील होता है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें काफी ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड करे गए हैं, जिसमें मेन तौर पे शामिल हैं माचा, ग्रीन टी, शिया बटर, कोकोआ बटर, जोजोबा ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, और इसके साथ साथ विटामिन ई का भी यूज किया गया है, जो कि स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस ग्रीन टी मास्क को यूज कैसे करना है, क्योंकि अगर आप इसको सही तरीके से यूज नहीं करोगे तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले अपने फेस को वॉश कर लेना है। तो फेस को वॉश करने के लिए आप कोई भी अपना नॉर्मल फेस वॉश यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि पैराबेन, सल्फेट्स, सिलिकॉन्स, ये सब नहीं होने चाहिए। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो उस केस में मैं आपको एक बढ़िया सा फेस वॉश सजेस्ट कर देता हूं, जो कि है मामा अर्थ का चारकोल फेस वॉश। तो फेस वॉश की मदद से जैसे आप अपने फेस को वॉश कर लेते हैं, उसके बाद फेस को ना पूरा ड्राई नहीं करना है, मतलब फेस को टॉवल की मदद से सुखाना नहीं है, वैसे स्किन पे आपने अप्लाई करना है इस फेस मास्क का। तो इसको यूज करने के लिए आप अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसके साथ जो ब्रश दिया होता है उसकी मदद से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन फिंगर्स की मदद से आप इसे बड़े एक्यूरेटली यूज कर पाओगे। तो आपने इस ग्रीन टी मास्क को सिर्फ आईज को छोड़ के पूरे फेस पे स्प्रेड कर लेना है, और इवन जो अंडर आईज वाला एरिया होता है वहां पे भी आप इस मास्क को यूज कर सकते हैं, और फिर अपने 15-20 मिनट तक इसको वैसे ही छोड़ देना है, और करीब 20 मिनट के बाद अपने नॉर्मल वाटर की मदद से इस मास्क को रिमूव कर देना है। और जैसे ही आप इस मास्क का यूज कर लेते हो आपके चेहरे में आपको तुरंत फर्क नजर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके इफेक्ट की। तो देखिए इसका मेन इफेक्ट ये होता है, आपकी फेस स्किन को ये काफी अंदर तक मॉइस्चराइज कर देता है। तो जो भी आपके फेस में इम्प्योरिटीज, डर्ट पार्टिकल्स, पोल्यूशन पार्टिकल्स और इवन जो डेड स्किन होती है, उन सबको ये बड़ी इजिली स्किन से रिमूव कर देता है, और एक डीप हाइड्रेशन आपको इससे मिल जाती है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको स्किन में फेयरनेस इफेक्ट देखना है ना और स्किन में थोड़ी ब्राइट टोन आ जाए, तो वो जो इफेक्ट है ना आपको इस वाओ के ग्रीन टी मास्क से नहीं मिलेगा। तो अगर आपको फेस में व्हाइटनिंग इफेक्ट चाहिए तो उसके लिए जो वाओ के अपटेन के प्रोडक्ट्स हैं ना, आप उसकी ओर जा सकते हैं, क्योंकि जो इनके अपटेन प्रोडक्ट्स हैं ना वो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं स्किन को थोड़ी ब्राइट टोन देने के लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस वाओ स्किन साइंस के ग्रीन टी मास्क से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो मुझे इससे मेनली 3 बेनिफिट्स मिले हैं। वैसे पैकेजिंग पे काफी सारे बेनिफिट्स लिस्ट किए गए हैं, लेकिन मुझे पर्सनली इससे 3 ही बेनिफिट्स मिल पाए हैं, जिसमें से पहला बेनिफिट है कि ये ग्रीन टी मास्क स्किन में एंटी एजिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं, रिंकल्स हैं, तो इन सबको ये मास्क धीरे धीरे खत्म कर देता है, तो एक एंटी एजिंग इफेक्ट आपकी स्किन में आ जाएगा। और दोस्तों जो मुझे इस ग्रीन टी मास्क से दूसरा बेनिफिट मिला है कि ये स्किन को एक डीप मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड कर देता है। तो दोस्तों अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, उस केस में भी ये मास्क आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। आप इस ग्रीन टी मास्क को वीक में मैक्सिमम 2 बार यूज कर सकते हैं। और इस ग्रीन टी मास्क से मुझे तीसरा बेनिफिट मिला है कि ये बेसिकली जो डैमेज स्किन होती है ना,
उसको भी रिपेयर कर देता है। तो अगर आपकी स्किन फट चुकी है या डैमेज हो चुकी है उस केस में भी ये ग्रीन टी मास्क आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारे फेस में एक्नी हो जाए या फिर पिंपल हो जाए तो उसके जो मार्क्स है ना वो स्किन में रह जाते हैं और ऐसे करके धीरे धीरे जो हमारी स्किन है ना वो डैमेज हो जाती है। तो ये ग्रीन टी मास्क क्या करता है कि जो डेड स्किन होती है ना उसको रिमूव कर देता है और स्किन को डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करके जो स्किन में डैमेज हुआ होता है उसको रिपेयर कर देता है। तो इसके यूज से जो आपकी स्किन है वो स्मूथ हो जाती है और इवन जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है ना वो भी धीरे धीरे बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस वाओ के ग्रीन टी मास्क के प्राइस की। तो इसकी क्वांटिटी है 200 ml की और यहाँ पे जो इसका एमआरपी प्राइस लिस्टेड है वो है 499 रुपीस। लेकिन दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए रहेंगे, अगर आप उन लिंक्स की मदद से खरीदते हो तो आपको यह प्रोडक्ट 400 से भी कम का मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना। दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर इस तरह के रिव्यूज आते रहते हैं। और दोस्तों आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप उसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने का। सो दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक और नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।